तस्वीरें दिखा रहे हैं, दंगल जो है जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त दंगल की तस्वीरें। बच्चों को आशीर्वाद देंगे। देखिए कुश्ती का हाथ हमारे बीच में, हमारे आज के मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह गुराया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में सरपंच देख सकते हैं, पंचाल बिल्डिंग मटेरियल लाडवा से अशोक पंचाल जी जो है आप देख सकते हैं, जो कुश्ती है उसका हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी दर्शकों से पहले ये खबर को शेयर करिएगा। रविंदर शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में बहुत बड़े ठेकेदार, और ये देख सकते हैं पंचाल बिल्डिंग मटेरियल लाडवा से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। पंचाल बिल्डिंग लाडवा के द्वारा जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो यहाँ पर आज इनाम में दी जाएगी। आप देख सकते हैं भव्य दंगल का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस भव्य दंगल में चौथे विशाल दंगल में अशोक पंचाल सुसंग वाले जिनके द्वारा जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो यहाँ पर गिफ्ट में दी जाएगी। सर बिल्ले भाई और हमारे बीच में सिल्लू चाचा ट्रांसपोर्ट लाडवा, वो भी हमारे हेलो भाई, ये पापा काम चलेगा। एक बात सुनिए, पहलवान बोल रहा है कि हमारे राजस्थान में सपना चौधरी का गाना चलता है, अपना चौधरी की फैन होगी, लेकिन पापा के ठुमके सपना चौधरी से ज्यादा चलेगा, याद रखिए। आज पता लग जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बैठो पंचाल साहब, बैठो। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाबा जी, जान की जान और शान कहते, एक बार ताली बजाए भाई शमशेर पहलवान के नाम। हेलो, देखिए ये है जहाजों को जो डुबो दे, जहाजों को जो डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और समूचे तूफानों से जो टकराए उसे बाबा लाठी पहलवान हरियाणा की जान और शान कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए बाबा लाठी पहलवान के लिए। ये 1,00,000 रुपए के इनाम की कुश्ती है दोस्तों। और इस कुश्ती के बाद दंगल की सबसे बड़ी कुश्ती ट्रैक्टर के इनाम की कुश्ती होगी दोस्तों। सर थोड़ा पीछे हो भाई। साथ ही तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है एचजीएन 24 के माध्यम से समय पर लाडवा से, आप देख सकते हैं जिला पार्षद जसवीर पंजेट्टा जी को और उनके साथी और हैं जिनको पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं चौथा विशाल दंगल जो समय पर और बहुत ही बड़े बहुत ही बड़ा सहयोग है हमारे जसवीर पंजेट्टा जी का, जिला पार्षद है।
जसवीर जी क्या कुछ कहोगे आज कहीं ना कहीं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखिए जो हमारी भाई साहब युवा पीढ़ी है, एक मिनट रुक जाए, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी खेल होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और कुश्ती दंगल एक ऐसी कुश्ती होती है जिसमें हमारा जो युवा पीढ़ी होती है उनका शरीर ठीक रहता है। और आज जो यहाँ पर पहलवान दूर दूर से आए हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो अपना लक्ष्य लेकर आया है वो अपना लक्ष्य हासिल करे। अगर कोई मेरा पहलवान भाई कुश्ती हार भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो भी अपने अंदर एक जज्बा लेकर आए और वो जीत कर जाए। मैं तो सभी को बधाई देना। अब देख सकते हैं और भी उनके साथ ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, सभी दर्शकों से रहेगी खबर को शेयर करिए। देखिए भाई सर सिंह गुराव जी की तरफ से इस कुश्ती पर ट्रैक्टर का इनाम रखा गया है। बहुत बढ़िया और इस कुश्ती का हाथ हमारे जसवीर भाई जी ने मिलवाया है। बहुत दोनों पहलवानों का आशीर्वाद दिया और दंगल की सबसे भाई जी क्या कुछ रहोगे आज आप देख सकते हैं, बहुत भव्य है। चौथा भी साल दंगल किया गया था लाड में और आप भी इतने दूर से पहुंचे हो, क्या कुछ कहोगे आज? मैं कहता हूं जी इस इलाके की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छा दंगल हुआ। तो दंगल करवाने वाले जितने भी आज हो जाएगा मैं सबको बधाई देता हूं, खास करके मोनू पहलवान जो इतना अच्छा उपराला करते हैं, खास जो बच्चों को अच्छी सेहत दे रहे हैं, नशों से दूर कर रहे हैं और खेलों की ओर प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सारे इलाके के जितने भी सहयोग देते हैं खेलों के। एक बार अपना परिचय बता दीजिएगा थोड़ा सा। मैं मनजीत पहलवान अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। WWF में भी आप खेल चुके हैं, वो बोल रहे हैं अमेरिका में भी 300 आप जीत चुके हैं, थोड़ा सा बताइए। WWF में मैंने 8 फाइट की, थोड़ी पसली में चोट लगने के कारण मैं वापिस आ गया अपने पंजाब में और जहाँ रह के मैं खेलों के साथ जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। कितने मोटरसाइकिल आज तक जीत चुके हैं? कम से कम 300 मोटरसाइकिल जीत चुका हूँ और आज भी कहीं ना कहीं जीतने ही वाले थे कि थोड़ा सा कहाँ पे कमी रहेगी थोड़ी सी? बस थोड़ी जल्दी कर दी, जल्दी के कारण थोड़ा सा नहीं जीत पाया। चलिए फिर भी सेकंड तो रहे हैं आप कहीं ना आगे कोशिश करना, ठीक है, धन्यवाद।